आपको फिजिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है? और फिजिक्स आपको एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, और अभी भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी आपको बहुत ही अननेचुरल से लगते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन को सॉल्व करते करते भी आपका बुरा हाल हो गया है, और नोट्स को बनाना आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन सब बातों का सोल्यूशन आपको मिलेगा इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास फिजिक्स के सिलेबस का ओवरव्यू करवाऊंगी कि सिलेबस में है क्या, क्योंकि मुझे लगता है किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्लास का सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि कितने चैप्टर्स हैं और बेसिकली वो चैप्टर्स क्या कहना चाहते हैं, हम बेसिकली किस चीज की स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं। सो 12th क्लास फिजिक्स में हमारे पास टोटल 15 चैप्टर हैं, उनको पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन में हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट टू में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। पार्ट वन में हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कूलम्स फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, गॉस लॉ, और हम उस गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और ये सब फिनोमिना जब हम पढ़ेंगे तब चार्ज क्या होगा, रेस्ट भी। मीन्स ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स इसमें जब हम ये स्टडी करेंगे सारे फिनोमिना तो चार्ज क्या होंगे, रेस्ट पे। फिर सेकंड चैप्टर हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें भी जो चार्जेस होंगे वो रेस्ट पे ही होंगे, और इसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक हम नया एलिमेंट स्टडी करेंगे दैट इज कैपेसिटर, विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये भी जब हम पढ़ेंगे तो चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट पे। तो ये जो पहले दो चैप्टर्स हैं इनमें हम जो चार्जेस की स्टडीज करेंगे उसमें चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट पे। अब आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए करंट शब्द का उपयोग हो गया है यहाँ पे। करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स चार्जेस जो हैं वो अब क्या होंगे, मोशन में होंगे, चार्जेस जो होंगे वो चलना शुरू होंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन, और मोशन में है तो क्या पढ़ेंगे हम, करंट के बारे में, करंट के यूनिट्स, करंट की डेफिनेशन, और लॉस पढ़ेंगे हम लोग विच गवर्न्स द स्टैटिक करंट, दैट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ, ये सब लॉज हम पढ़ेंगे। फिर आएगा नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पे भी जो चार्जेस होंगे वो मोशन में होंगे। और यहाँ ऑर्स्टेड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। कि देखिए मूविंग चार्जेस से करंट तो आ रहा है, लेकिन वो जो मूविंग चार्जेस हैं वो और क्या एक फिनोमिना नया लेके आ रहे हैं, मैग्नेटिज्म, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। फिर आएंगे हम 5th चैप्टर पे, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैन मेड मैग्नेट्स, नेचुरल मैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म, बिहेवियर ऑफ मैटर इन मैग्नेटिक फील्ड, और बहुत ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है फिर 6th चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे करंट, करंट पढ़ेंगे और बैटरी नहीं होगी वहां पे, करंट विदाउट बैटरी, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिसमें हम फैराडेज लॉज पढ़ेंगे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर आएगा हमारे पास 7th चैप्टर, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम ये देखेंगे कि जो करंट है वो जो है आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे हम फिर एसी जनरेटर पढ़ेंगे, जिसको हम डायनमो भी कहते हैं। फिर आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें हम लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव, एफएम वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, गामा रेज और विजिबल लाइट के लिए पढ़ेंगे। तो ये था हमारा पार्ट वन। और पार्ट वन जो है बच्चों वो मोस्टली किसको कवर करेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो मीन्स हमारा हाफ ऑफ द जो सिलेबस है वो किसको कवर करने जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो आगे देखिए पार्ट टू में हमारे पास आता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट्स इंट्रैक्शन विद मैटर, लाइट की इंट्रैक्शन हम देखेंगे मैटर के साथ, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, स्कैटरिंग पढ़ेंगे, डिस्पर्शन पढ़ेंगे,
और देखिए आपने छोटी क्लासेस में 9, 10, 11 में भी ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है इसको कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम जो नई चीज पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स में वो है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम हाइगन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ पोलराइजेशन को भी पढ़ेंगे। फिर हमारे पास 11 चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। देखिए डुअल का मतलब होता है दोगला बिहेव करना, ठीक है, डबल नेचर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास लाइट की दो नेचर्स हैं, देयर आर टू नेचर्स ऑफ लाइट पार्टिकल। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। और इसमें हम डी ब्रोगला वेव इक्वेशन को भी स्टडी करेंगे। फिर आता है हमारा 12 चैप्टर एटम, जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एटम का कैसा है, वेरियस मॉडल पढ़ेंगे, जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी हम स्टडी करेंगे। फिर हम आएंगे 13th चैप्टर पे न्यूक्लियाई। ये हमारे लिए नया है क्योंकि एटम्स हमने केमिस्ट्री या 11th क्लास की फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत कवर किया है। न्यूक्लियाई में हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं न्यूक्लियस के, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे हम रेडियो एक्टिविटी की क्या है। फिर आएंगे हम 14th चैप्टर पे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें देखिए हम एक नया एलिमेंट जो है नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि कंडक्टर्स हमें पता है क्या होते हैं, इंसुलेटर्स हमें पता है क्या होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और देखिए हम आजकल जो भी गैजेट्स यूज कर रहे हैं, जैसे आप अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं या पेन टैबलेट्स हैं या टीवीज हैं, बहुत से गैजेट्स हैं ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। तो इसमें हम ये सारे सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए मैं और आप बात कर रहे हैं अभी, अब मैं जो पढ़ा रही हूँ आप सुन रहे हैं मुझे, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है और ये किसकी देन है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम में है क्या क्या एलिमेंट्स हैं। देखिए रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, चैनल है, कम्युनिकेशन है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, स्पेस वेव प्रोपगेशन है, स्काई वेव प्रोपगेशन है। तो इस तरीके से हमारे जो 15 चैप्टर्स जो है वो कवर हो जाएंगे। देखिए बच्चों चैप्टर्स के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे। मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी अलग से वीडियो शेयर करूंगी, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी अलग से वीडियो शेयर करूंगी, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए। तो ये था आज तक का सिर्फ ओवरव्यू, होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।